नमस्कार। आइए साथ से चर्चा करने से पहले एक जरूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। उसको आप हमारे यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, साथ ही उसे लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले इस हाथ की बहुमूल्य उंगली, जिसको बोलते हैं ज्ञान की उंगली, कनिष्ठ उंगली। ये कनिष्ठ उंगली और कनिष्ठ उंगली का पर्व सूर्य के पर्व से बहुत नीचे रह गया, यानी कि ये बात तय हो गई कि आप अपने जीवन में जल्दबाजी के कारण, बुद्धि से लिए गए निर्णयों के द्वारा आपको जीवन में कई बार पछताना भी पड़ता है। तो आप अपने किसी भी निर्णय को लें, मजबूती के साथ लें, साथ ही साथ अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे आप जो है सलाह लेकर के आप अपने निर्णय को लें, तो आपको जीवन में ज़्यादा उन्नति, तरक्की, प्रगति मिलेगी। आइए आगे बात कर लेते हैं सूर्य की उंगली की। ये सूर्य की उंगली और पूरी तरीके से बहुत ही सुंदर उंगली है, जिसका जुड़ाव भी बहुत सुंदर है। आदमी आत्मा से सुंदर होता है, ज्ञानवान होता है, चरित्रवान होता है। तो यहाँ अच्छी तरीके से मैं देखूँ तो बहुत सूर्य की उंगली है, यानी कि सूर्य के जो कारक होते हैं उनका आपको बल देने का काम होता है, और बल और शक्ति और आत्मा आपके पास सुंदर है। बात कर लेते हैं आपके शनि की उंगली की। ये शनि की उंगली और शनि की उंगली एकदम सीधी खड़ी हुई है, यानी कि शनि की ढैया आए या शनि की साढ़े साथी आए, वो आपके लिए अनुकूल है। यानी स्वास्थ्य से भी यहाँ ठीक दिखाई देता है, साथ ही साथ आपको शनि की कृपा भी यहाँ पर है। बात कर लेते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। ये बृहस्पति की उंगली और इसके सेकंड कर पर यहाँ कट है। बृहस्पति माना जाता है कारक संतान का। बृहस्पति के बिना रोल के आपको जीवन में विवाह सुख नहीं मिलेगा, संतान का सुख नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ गुरुओं की कृपा नहीं मिलेगी और भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो यहाँ गुरु का थोड़ा सा जुड़ाव ठीक नहीं है। हालांकि बृहस्पति की उंगली का जुड़ाव शनि के साथ है। जब जब इस प्रकार की क्रियाएँ होती हैं तो व्यक्ति को जीवन के अंदर धन, ईश्वर आस्था भी होती है और धन के आगमन थोड़ा बहुत बने ही रहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपके बुध पर्वत की। ये बुध पर्वत और बुध पर्वत यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अनुकूल स्थिति में है। इस पर खड़ी हुई रेखा भी है, यानी कि मैं अगर कहूँ तो वहाँ टावर अगर कमज़ोर था तो ईश्वर कृपा से यहाँ पर इस बार की ये बात जो उंगलियाँ हैं वो इस बात को बताती हैं कि आपके पास ज्ञान की तो अच्छी खासी आपके पास शक्ति प्रदान हो जाएगी। ऊपर टावर कमज़ोर हो गया था लेकिन यहाँ से शक्ति मिली है, तो अपने कार्य को आप संपन्न कर सकते हैं। लेकिन बड़े कार्यों को हमेशा घर वालों का या बड़ों का जो है आशीर्वाद दे करके ही आप आगे बढ़ाना। बात कर लेते हैं आपके एक दूसरे पर्व की। इसको बोलते थे सूर्य का पर्व, सूर्य का पर्व। और यहाँ पर ये इस प्रकार की खड़ी हुई रेखा, और यहाँ पर इस तरीके से जब ये नीचे से कर्व बनता है तो यदि व्यक्ति चाहे, और साथ के साथ एक रेखा ने ये कट जो काट काटा है, इसमें ये क्या है कि इसको व्यक्ति को जीवन में कंपटीशन काफ़ी करना पड़ेगा और जब जा करके ये अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। तो यहाँ इसमें कोई दो राह नहीं है कि यदि आप जीवन में गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो निश्चित रूप से यदि आपने मेहनत की होगी तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के भी बहुत अच्छे संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। आइए बात कर लेते हैं आपके एक और पर्व की, जिसको बोल देते हैं यहाँ हम, ये है हमारे पास धन का पर्व, यानी कि शनि का पर्व कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आप स्वास्थ्य के लिए इसको देखा जा सकता है। तो यहाँ धन की जो स्थिति है आपके पास में, बहुत अच्छी धन की स्थिति ये इसमें दर्शाती हुई कि भाई धन के आगमन आपके पास बने रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा विभाजित हो रही हैं रेखाएं। तो इस कारण से जीवन में धन तो बना रहेगा लेकिन साथ साथ खर्चा भी लगेगा। यहाँ पर एक तरह का यहाँ पर एक स्टार सा बन गया है। जब जब ये नक्षत्र बन जाता है तो ये नक्षत्र ज़्यादा ज़्यादा अच्छे फल नहीं देता, यानी धन तो बना रहता लेकिन आदमी संतुष्ट नहीं होता उस धन से। आइए बृहस्पति पर्व की बात कर लें। ये बड़ा ट्रायंगल नीचे की तरफ, जो इस बात को दर्शाता है कि आप अपनी मेहनत के द्वारा जीवन में मकान बना जाएंगे। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति के पास दो 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 मकान भी व्यक्ति बना जाता है। तो अच्छा, यहाँ पर ये इंडिकेशन यहाँ पर देखने के लिए मिला। बृहस्पति आपका अनुकूल हो गया, यहाँ पर ऊपर नहीं था, प्रतिकूलता, लेकिन यहाँ जाकर के कुछ स्थिति ठीक लगी। चलिए बात कर लेते हैं आपके एक और बहुत महत्वपूर्ण, उसको मैं देखूंगा जरूर। यहाँ पर मैंने पहले मैं विवाह रेखा को देख लेता हूँ थोड़ा सा। तो विवाह रेखा देख लेते हैं इनकी। विवाह रेखा दूसरे हाथ से दिखलाइए। ये देखिए आपके हाथ की कितनी मोटी विवाह रेखा, इसके नीचे आप देखिए दूसरी वाली कितनी मोटी रेखा, और सीधा सीधा ये दीप बन गया एक नीचे की तरफ। एक नीचे दीप भी है यहाँ पर,
ये द्वीप भी है। अब ये विवाह रेखाओं के लिए बहुत ही खतरनाक चिन्ह है, साथ ही साथ हृदय रेखा भी इतनी मोटी हो गई है जिसे मैं हृदयांगनी का रूप भी मानता हूँ, और उसको भी बाद में वो रेखा भी जा करके मंगल पर्वत के अंदर तक भी वो रेखा धस गई है, यहाँ जा करके अंदर घुस गई है। तो जब जब इस तरह का इन्वॉल्वमेंट विवाह रेखाओं का मिलता है, हृदय रेखाओं का मिलता है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति को जीवन में विवाह में बहुत ही ज़्यादा विलंबों का सामना करना पड़ेगा। तो विवाह आपकी इस समय जो एज है वो है आपकी 29 से 30वें वर्ष में आप चल रहे हैं, और 30वें वर्ष में भी यहाँ पर द्वीप भी बना हुआ है, बिल्कुल खतरनाक स्थिति आपके विवाह रेखाओं और हृदय रेखाओं का संयोजन का जो फलित है वो बहुत खतरनाक स्थिति का है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के विवाह अगर हो भी जाएं तो तलाक हो जाते हैं, साथ ही साथ यदि प्रेम संबंध हो जाएं तो अंत समय में प्रेमिका रुक जाती है। लेकिन अगर आप बात करें कि भाई क्या प्रेम विवाह, कि मुझे यहाँ प्रेम विवाह के कहीं भी योग नहीं लगते, और जीवन में आपको ये ईश्वर ने लिख दिया है कि आप प्रेम विवाह करें या अरेंज विवाह करें, आपका जैसा भी विवाह हो जाए पहले तो हो ही जाए, यही बहुत जटिल स्थिति है। तो आपने पूछा कि विवाह टूट जाता है या कब होगा, भाई साहब आपका विवाह जैसी स्थिति में भी जैसी भी औरत आपको मिल जाए आपको मन से मजबूत होना पड़ेगा, वरना यहाँ तो विवाह के योग तक भी नहीं दिखाई देते, ये मंगल रेखा के अंदर घुस गई। ऐसी स्थितियों में मैंने कई बार देखा है कि इतनी खराब स्थिति तक जाकर के विवाह संबंध खराब हो जाते हैं कि तलाक के साथ साथ मारपीट से कहीं एक दूसरे की स्थिति मृत्यु तक भी पहुंच सकती है। तो बहुत खतरनाक स्थिति है आपकी विवाह रेखा की। तो चलिए जैसी पत्नी मिले जो भी मिले भाई आप कर लो, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छी बात है, वरना विवाह के टोटे पड़ने का भी पूरा पूरा ये हाथ है। तो ऐसी रेखाएं विवाह का टोटा तक कर देती हैं, झगड़े झंझट भी कर देती हैं, विवाह टूट भी जाते हैं, इससे टूट भी जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी अनुकूल चीज़ आपके हाथ के अंदर नहीं है। अब बात कर लेते हैं, आपकी बात हो गई विवाह रेखा की, हृदय रेखा की भी बात हो गई, मन से भी आप बहुत कठोर भी हैं, ये भी यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। अब बात कर लेते हैं आपके मस्तिष्क रेखा की, ये मस्तिष्क रेखा और बहुत मोटी मस्तिष्क रेखा, इतनी मोटी मस्तिष्क रेखा जब हाथ के पास चंद्र पर्वत तक पहुंचा रही है तो दूर स्थान तक तो जोड़ देगी आपको, ये तो सही है, बहुत यात्राएं करवाएगी। यहाँ ट्रैवलिंग रेखा इतनी ज़्यादा है आपके जीवन में कि लगातार अगर मैं देखूँ तो चंद्र पर्वत पूरा का पूरा प्रभावित है। ये रेखा इतनी सारी हैं कि जो ट्रैवलिंग करवा रही हैं साथ ही साथ विदेश तक भी आपको पहुंचा रही हैं। तो यहाँ एक प्रकार की ये चिन्ह जो है ये इस बात को दर्शाते हैं, साथ ही एक ये रेखा जाकर अंदर शुक्र पर्व में बढ़ गई तो ये आपको विदेश तक भी पहुंचा देगी, हो सकता है वहाँ से आमदनी भी करा दे। परंतु केतु स्थान से नीचे वाली जो रेखा जहाँ मैं क्रॉस कर रहा हूँ ये अपने आप के इस प्रकार के एंगल्स हैं कि आप अपने जीवन में गलत राह भी पकड़ सकते हैं, यानी कि व्यक्ति का जीवन में कई कई औरतों से भी गलत संबंध हो सकते हैं, और ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी और आपके लिए भी एक कलंक का कारण भी बन सकती हैं। तो आपकी ये आपके पास अच्छी रेखाएं नहीं मिली यहाँ पर, जबकि आपको पैतृक रूप से आपकी जो रेखा है वो भी यहाँ पर ठीक ठाक जुड़ रही है, और इसका रेखा का संबंध जो है वो ऊपर जाके केतु स्थान से बन रहा है। तो मुझे मैं आपको बता रहा हूँ ज़रा अपने संबंधों को ज़रा ध्यान से रखिए, कभी रात दो रात आपको जेल का सामना ना करना पड़ जाए। चलिए आपकी इन सब रेखाओं के बारे में मैंने बोला, मस्तिष्क रेखा कुल मिला के बहुत डिस्टर्बेंस निकली, और साथ ही साथ अगर वो आपको बहुत भाग दौड़ करा रही है जीवन में तो आपको मानसिक टेंशन भी उतनी कम नहीं है। चलिए ये सब हो गया, अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी, आपने पूछा भविष्य कैसा। इसके भविष्य के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है आपके 29 साल पर यदि हम पहुंचते हैं तो यहाँ 29वें वर्ष पर एक मंगल रेखा अंदर से आकर के यहाँ पर काट रही है। जब मंगल रेखा से निकली रेखा यहाँ इस बात को बता रही है कि बिल्कुल अभी जस्ट में आपका कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ 27, 29, 30, 35 हाँ लगभग 30 से 31वें वर्ष में आपको जॉब परिवर्तन करना पड़ेगा या आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा या आपका स्थानांतरण हो जाएगा, ये यहाँ पर दर्शाती हुई स्थितियाँ। आगे भी आपके जीवन में ये स्थानांतरण ये परिवर्तन करने वाली रेखा फिर चल रही है और ये यहाँ पर काट रही है लगभग जा करके
जगह मैंने बताया आपको, ये परिवर्तन आगे जाइए 35, 36, 37, फिर ये 37वें वर्ष पर यहाँ फिर एक स्थानांतरण का सामना आपको करना पड़ रहा है, और इसके बाद स्थानांतरण नहीं है। तो फिर उसके बाद 55 तक कोई स्थानांतरण नहीं है, परंतु ये लेफ्ट से आती हुई रेखा जो इस बात को बता रही है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, या कोई आपका किसी भी तरीके का कोई झंझट के कारण आपको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़ जाए, ये यहाँ पर दर्शाती हुई रेखा यहाँ पर दर्शा रही है। तो बहुत ही जटिल समस्याओं के साथ चलने वाला यह हाथ, लेकिन कुल मिलाकर अगर भविष्य में धन की स्थिति है तो वो 37 साल से लेकर 55 साल तक अनुकूल स्थिति है। खर्च जरूर जीवन में लगातार लगा रहेगा, स्थानांतरण उसके बाद आपके रुक जाएंगे। तो चलिए, ये आपके हाथ के अंदर मैंने बताया। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके एक और रेखा की, जिसको बोलते हैं आयु रेखा। यहाँ पर आयु रेखा बहुत ही मोटी, बहुत ही ब्लैक, यहाँ पर ये माह जो है इसको बहुत से लोग अपनी भाषा में कुछ भी बोलें, लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो इसको साधारण भाषा में अपने ये खराब रेखा बोलता हूँ, जो इतने काले रंग का गहरे काले रंग के अंदर जो आपके अंतर्गत है, ये जीवन में आपको बहुत संघर्ष कराई। कई बार तो व्यक्ति के पास धन होता है, उसके बाद भी व्यक्ति व्यथित रहता है, और वो सब समस्याएँ यहाँ शुक्र से संबंधित क्षेत्र से आती हुई जो मोटी मोटी गहरी रेखाएँ हैं, ज़्यादा गहरी रेखाएँ, ज़्यादा मोटी रेखाएँ भी यहाँ पर फलित रूप से नहीं अच्छी कही जाती हैं। तो लग्जरियस जीवन तो है आपके पास में, धन के आगमन तो है आपके पास में, परंतु मैंने वो लेडीजों से संबंध वाली बात कही थी, उस पर ज़रा आपको ध्यान करना होगा। तो ये सब सुख सुविधाएँ तो हैं यहाँ पर देखने में, लेकिन वो जो अच्छी बात जो जिसे कहते हैं वैवाहिक सुख, वो आपके हाथ में यहाँ भी जटिलता के साथ नज़र आता है। तो आपके सभी रेखाओं, सभी पर्वों के बारे में मैंने बताया। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप ये चाहते हैं कि आपका विवाह हो, तो उसके लिए आप क्या क्या करें। एक फायर ओपल आपको इस उंगली में पहनना पड़ेगा, बेहतरीन फायर ओपल। बेहतरीन का मतलब बेहतरीन ही होना चाहिए, तो बेहतरीन फायर ओपल आपको इस उंगली में पहनना है। आप चाहें तो उसको हमसे भी मंगा सकते हैं, हम आपको अंगूठी बना करके आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी देवी मंदिर में लगातार 21 शुक्रवार तक देवी की उपासना करें, देवी के मंत्रों का जाप करें, वहाँ बैठ करके चाहे देवी की वहाँ प्रार्थना पूजा पाठ करें, जो भी है वो करें, और प्रत्येक शुक्रवार को मंदिर में जाएं और कभी सफ़ेद चावल ले गए, आपकी श्रद्धा अनुसार 250 ग्राम ले जाएं, चाहे 1.25 किलो ले जाएं, चाहे 1.5 किलो ले जाएं, जो कुछ चाहें आप चावल ले जा सकते हैं सफ़ेद। किसी बार किसी शुक्रवार को आप चीनी ले जा सकते हैं, कितनी भी जब जितनी श्रद्धा अनुसार। किसी शुक्रवार को आप देवी को सफ़ेद बर्फियों का, सफ़ेद भोग मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, तो किसी शुक्रवार को आप चीनी का दोन, किसी के शुक्रवार को दूध का, किसी शुक्रवार को आप दही का, यानी सफ़ेद वस्त्रों का। और साथ ही साथ यदि आप ये काम कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा कि आप देवी को चमकते हुए सफ़ेद कपड़ों का श्रृंगार, यानी कि उनको वस्त्र अर्पण करें, और साथ ही साथ उनके श्रृंगार का सामान भी आप अर्पित करें। पंडित से आप बात कर सकते हैं, तो आपके विवाह की बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। आशा करता हूं आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया होगा। नमस्कार।